हम लोग किसी भी धर्म के पक्ष में कोई हस्तक्षेप करते हैं, सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। हम लोग किसी भी धर्म के पक्ष में कोई हस्तक्षेप करते हैं, सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में भाजपा के सहयोगियों के धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की राय का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने पूर्णिया में साफ तौर पर कहा है ये सब फालतू बात है। पहले आप सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। लाउडस्पीकर होना चाहिए, छोड़िए ना वो सब चीजें, एथेनॉल का बात करिए, सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म के पक्ष में कोई हस्तक्षेप करते हैं, सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। लाउडस्पीकर होना चाहिए, अरे छोड़िए ना वो सब चीजें, एथेनॉल वाला बात, एथेनॉल का बात करिए, सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म के पक्ष में कोई हस्तक्षेप करते हैं, सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर बीते शुक्रवार को भी कहा था कि ऐसी मांग फालतू बात है और राज्य में ऐसी मांगों से वो सहमत नहीं है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का नाम बिना लिए कहा कि जिसे जो कहना है वो कहे। नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इफ्तार के बाद चलते चलते पत्रकारों से सवाल का जवाब दे रहे थे, तो बीते शुक्रवार को भी नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा था कि ये सब बेकार की बात है। और आज पूर्णिया ने भी उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार के मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर जो है वो नहीं उतरेगा। उन्होंने साफ कहा है कि ये सब बेकार की बात है। वहीं बीते शुक्रवार को उनके मंत्रिमंडल के मंत्री जनक राम ने ये मांग दोहराई थी कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाया जाना चाहिए। इसके पूर्व भी कई भाजपा के सदस्य जिसमें मंत्री विधायक शामिल हैं इस मांग का समर्थन कर चुके हैं। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ सदस्य और नीतीश मंत्रिमंडल के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का कहना है कि लाउडस्पीकर को किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके इजाद होने से पहले भी लोग पूजा करते थे और आजान भी दिया करते थे। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के बयान के बाद जहां एक ओर भाजपा के ध्रुवीकरण की राजनीति को झटका लगा है, वहीं अल्पसंख्यक समाज के लोग राहत की सांस लेंगे कि नीतीश ने इस बार रमजान के महीने में आधे दर्जन से ज्यादा इफ्तार पार्टियों में शामिल होकर एक संदेश भी भेजा है कि फिलहाल बीजेपी के एजेंडे से वो कोसों दूर हैं। ये बात अलग है कि उनके अपने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इफ्तार पार्टी में साफा और टोपी दोनों पहनने से परहेज किया था। वहीं बीते शुक्रवार को इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी का साथ मिला, जहां तेजस्वी ने इस मुद्दे को बेरोजगारी से जोड़ते हुए कहा कि जहां भी लाउडस्पीकर हटाओ वो हाईकोर्ट के आदेश से हटा, लेकिन क्या इसे हटाने से देश में बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी। वहीं मांझी का कहना है कि लाउडस्पीकर और घड़ी घंटा बजाने से कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू का विषय है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।